सो गाइस, आज हम बताने वाले कुछ स्टेप का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम ऑनलाइन फोटो एडिटिंग करने वाला है। तो ये वाला जो फोटो एडिटिंग वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एक बीच से मिस मत करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आप सबको समझ में जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने का लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना इसे नए नए वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें पहले क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो आप सब कोई भी ब्राउजर को चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर क्रोम को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओपन कर देने के बाद यहाँ पर हमें सर्च बार में कर लेना है, हमें यहाँ पर स्लेजर SLAJZER, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब भी कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हो SLAJZER.com, ओके। देन यहाँ पर हमें सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिख जाएगा आप सबको। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये वाला जो साइट है इस पर हमें ऑनलाइन फोटो एडिटिंग करने का सुविधा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपलोड इमेज पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें पिक्चर को हमें चूज़ कर लेना, ठीक है। तो आप सब भी अपना पिक्चर को आप लोग चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं कोई भी पिक्चर को चूज़ कर लेता हूँ। सो ये वाला जो पिक्चर था वो मैं चूज़ कर लिया हूँ। तो चूज़ कर देने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो आप सब अगर चाहते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो रिमूव करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा अपना बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें पिक्चर को हमें एडिट कर लेना है। सो इसलिए हमें ऊपर एडिट वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर एडिट प्रीव्यू पर हमें क्लिक कर देना है, ओके। तो अभी हमें ऊपर जो यहाँ पर माइनस वाला आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है, यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नीचे जाना है। तो नीचे जाने पर यहाँ पर हमें ब्लर ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो ब्लर हो गया है। मतलब ये साइड पर आप लोग यहाँ पर DSLR की तरह पिक्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पूरा बैकग्राउंड ब्लर आ गया है DSLR की तरह। तो आप हमें क्या करना है, आप हमें नीचे की साइड पर आ जाना है। तो यहाँ पर बहुत सारा बैकग्राउंड भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं चूज़ करके दिखा देता हूँ आप सबको। अगर अच्छा लगे तो आप लोग यहाँ पर चूज़ करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये वाला जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चाहो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट मिल जाएगा आप सबको। सो नीचे यहाँ पर देख सकते हो गाइस, एक कलर के बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो एक आप लोग यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक बात गाइस, तो आप सबके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर उसे बहुत सारा बैकग्राउंड और PNG का लिंक मिल जाएगा आप सबको। तो वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, वहाँ पर जाकर सब ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, ठीक है। सो ये वाला पिक्चर को हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं पहले को इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पिक्चर डाउनलोड हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें गैलरी के अंदर आ जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं बैकग्राउंड पर थोड़ा सा भूकी इफेक्ट ले आऊँगा, ठीक है। सो इसलिए हमें क्या करना है, पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। सो ये वाला पिक्चर को हमें पिक्सेट एप्लीकेशन को ऐड कर लेना है। सो पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, पहले स्टेप पे जाना है, यहाँ पर ऊपर राइट साइड पे जो टूल्स वाला ऑप्शन है वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ओके। तो टूल्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो इरेजर वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन बैकग्राउंड पर हमें टैप कर देना है। तो इससे हमारा जो बैकग्राउंड है, जो इफेक्ट था वो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बुके इफेक्ट ले आना है। सो इसलिए हमें ब्रशेस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो ब्रशेस है तो वहाँ पर हमें जाना है। देन यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा आप सबको। सो सिंपली यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है उस पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर डबल टैप कर देने के बाद यहाँ पर साइज को थोड़ा सा कम और पर ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम, ठीक है। देन कुछ इस तरह से हमें बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर देना है। तो इससे हमारा बैकग्राउंड के ऊपर देख सकते हो कितना इजी से हमारा बैकग्राउंड के ऊपर बुकी इफेक्ट आ रहा है। तो आप सब भी कुछ इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे कर लेता हूँ, ओके। तो अभी हमें पिक्चर को डन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो पिक्चर है वो कितना ऑसम सी लग रहा है। तो आप सब कुछ इस तरह से पिक्चर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो था वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, ओके।